ईश्वर कहते हैं उदास ना होना, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं हूँ पर तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर मुझे दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ। नमस्कार मित्रों, आज हम हाजिर हैं साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस एपिसोड में हम 20 मई से 26 मई 2024 तक के 12 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए जानें प्रथम राशि मेष के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में सामान्य से लेकर खास कार्यों में यथोचित प्रगति होती हुई नजर आएगी। यह सप्ताह बीते हफ्ते की ही तरह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए रहेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा किसी भी कार्य में की गई पहल आपके लाभ का कारण बन सकती है। ऐसे में कार्य क्षेत्र हो या फिर निजी जीवन, किसी भी प्रकार की अच्छी पहल करने से आप न चूके। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी भी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। घर परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना में रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात दूसरी राशि वृक्ष राशि की। वृक्ष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह की ही तरह कुछ मध्यम फल लिए हुए हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ा निर्णय या फिर नई पहल करते समय खूब सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। मौसमी बीमारी अथवा अधिक भाग दौड़ के कारण शारीरिक थकान हो सकती है। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें। आप सी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए अपना व्यवहार सही रखें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। घर गृहस्थी से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेने से पहले जीवन साथी से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। अब बात तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित होने वाला है। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आप गणपति को दुर्वा चढ़ाकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। अब बात अगली राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला होगा। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र में किसी की बात को तुल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनोनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। यह सप्ताह न सिर्फ आय के नए स्रोत बनाएगा बल्कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से प्रियजनों के साथ उपजी गलतफहमियां भी दूर करेगा। आप छोटी मोटी बातों को तुल देने से बचे। इस दौरान आपकी आस पड़ोस में किसी से बात को लेकर के तकरार भी हो सकती है और स्वजनों से मतभेद भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन केले के पेड़ को जल देना चाहिए तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगा। आपको किसी भी कार्य में अड़चन या अवरोध की स्थिति में आपको खुद के क्रोध पर काबू करना होगा। इस सप्ताह आपको धन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। बात आप करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए तथा शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा।
बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और धन धान्य में तेजी से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपके द्वारा किए गए निर्णयों की तारीफ करेंगे। इस दौरान आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। और अब बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं श्री शुक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी षड्यंत्र रचते हुए नजर आएंगे। लोग बातों को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको बगैर तनाव लिए हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। आत्मीय संबंधों को सुधारने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए और अपनी वाणी और व्यवहार में अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा अधिक व्यस्तता को लिए हुए रहेगा। इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में चुनौती भरे कार्य सौंपे जा सकते हैं। इस दौरान जहां आपके उच्च अधिकारी आपकी योग्यता की परीक्षा लेंगे, तो वहीं विरोधी आपके काम काज में अड़चन डालने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके लिए सुखद समाचार ये है कि आप अपने मिले हुए टास्क को कठिन परिश्रम और सहयोगियों की मदद से अंत तक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपको सफलता दिलाएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्र को इस सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धर्म कर्म के काम में बीतेगा। सप्ताह के अंत तक फाइनेंस से जुड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात अगली राशि मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकते हैं। आपकी सोच ऋण लेकर घी पीने वाली बनी रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह अपनी नौकरी में बदलाव करने की भी सोच सकते हैं। हालांकि यह निर्णय भूल कर भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर न लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी आय के कई नई स्रोत बनेंगे। जीवन साथी के सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। और आपके लिए बात करें उपाय की, तो आपको हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, जो आपको बहुत लाभ देगा। बात अब कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कुछ कम फल देने वाली साबित होगी। आप कारोबार से जुड़े कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं का आदर करें तथा जो कार्य संभव न हो पाए उसके लिए बड़ी विनम्रता से मना कर दें। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको हनुमान जी की पूजा और सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए और सफाई कर्मी को चाय की पत्ती दान में अवश्य देना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और कारोबार में विस्तार की योजनाएं साकार होती हुई नजर आएंगी। आपको अपने मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा। परिवार से आपके द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान होगा। भाई बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
बात आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी 12 राशियों का की साप्ताहिक फल से जुड़ी जानकारी। आज इस अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अंक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।